हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग में हम लोग जा रहे हैं नवछत्र वन, जो कि रांची में है। तो अभी मैं फिलहाल हूँ यहाँ पे रांची जंक्शन में, रांची रेलवे स्टेशन में। और यहाँ से आपको जो है सो 5 किलोमीटर का दूरी में जो है सो है नक्षत्र वन। गाइस, अभी जो है सो हम लोग रेलवे स्टेशन से अभी नागा बाबा खटाल चौक हम लोग आ चुके हैं। इस चौक के सामने में ही यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन पार्क है सामने में। पैदल चलने के बाद फाइनली हम लोग जो है सो नक्षत्र वन पहुँच चुके हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है सो पीछे में बोर्ड लगा हुआ है, और ये रहा नक्षत्र वन गेट रहा। और यहाँ से देख सकते हैं लिखा हुआ सोमवार को जो है सो साप्ताहिक बंद रहता है। देखते हैं जो है सो बोर्ड लगा हुआ है, इसको पॉज करके आप लोग सारा इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। यहाँ पे 9:30 बजे से खुलने का समय है सुबह, और 5 बजे तक जो है सो रात्रि तक जो है सो ये बंद हो जाता है। ये रहा टिकट घर, तो यहाँ पे देख सकते हैं टिकट का जो प्राइस लिखा हुआ है, इसको भी आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जो है सो पार्किंग स्थल भी है, तो यहाँ पे अगर आप लोग बाइक से आते हैं तो यहाँ पे जो है सो बाइक को अपना पार्क कर सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं। टिकट का प्राइस जो है सो 15 रुपया है। अब जो है सो गाइस, इसके वन के अंदर हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ से एक बार आप लोग जो है सो पूरा चारों तरफ का नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ से देखिए सामने में जो है सो पेड़ वगैरह लगा हुआ है, नीचे में जो है सो घास कटिंग किया गया है बहुत अच्छा से, और इधर में देखिए इधर में भी जो सो पेड़ लगा हुआ है, अलग अलग प्रकार का जो है सो पेड़ लगा हुआ है, और इधर में भी देखिए छोटा छोटा पेड़ लगा हुआ है, और काफी अच्छा से जो है सो खूबसूरती को निखारा गया है यहाँ पे, बहुत अच्छा है। आप लोग जो है सो यहाँ पे आ सकते हैं घूमने के लिए, बहुत अच्छा प्लेस है। तो अभी जो है सो आगे और चल के जो है सो आप लोगों को दिखाते हैं आगे में, और भी अच्छा से एक एक चीजें को जो है सो आप लोगों को बारीकी से दिखाते हैं सभी चीजों को अच्छे से। ये गाइस जो है सो बैठने के लिए बनाया गया है, दीवार में देख सकते हैं कितना काफी खूबसूरत पेंटिंग जो है सो बनाया गया है आगे में, और जो है सो पूरा दीवार में जो है सो आप लोगों को अलग अलग प्रकार का पेंटिंग देखने को मिलेगा। और बैठने के लिए जो है सो चेयर बनाया गया है जहाँ पे आप लोग बैठ सकते हैं। ये एकदम पूरी खुली एकदम हवा यहाँ पे आता है, और जो है सो काफी अच्छा मतलब यहाँ का जो है सो वातावरण है। देखिए गाइस, यहाँ पे जो है सो राशि मिथुन कटहल का पेड़ है, देख सकते हैं गाइस ये जो है सो सब अलग अलग पार्ट है। तो इसमें जो पेड़ लगा हुआ है, इसमें यहाँ पे जो है सो रीठा ये हस्त है, और इसका आगे में देख सकते हैं ये जो है सो बेल चित्रा है, और सभी में जो है सो अलग अलग बोर्ड लगाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये है अर्जुन स्वाति, और इधर में है विवेक विशाखा, और यहाँ पे जो है सो सभी पेड़ को जो है सो पार्ट्स में जो है सो डिवाइड करके ऐसे बोर्ड लगाया गया है। यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे जो है सो मैदान जैसा है जहाँ पे आप लोग बैठ सकते हैं आराम से, बहुत अच्छा प्लेस है यहाँ पे। गाइस यहाँ पे जो है सो पत्थर का कुछ गुफा टाइप का बनाया हुआ है, तो इसको जो है सो आपको आगे तरफ से दिखाते हैं। और इधर में देख सकते हैं यहाँ पे जो है सो एक छोटी सी पुल बनाया गया है जो कि काफी खूबसूरत है यहाँ पे फूल। और ये जो गुफा बनाया गया है, इस गुफा को देखिए आप लोग जो है सो ऊपर में जो है सो ढेर सारी पत्तियां और जो है सो पेड़ वगैरह है इसके ऊपर में, और यहाँ पे गुफा है, तो गुफा में जो है सो इस पार से उस पार दिखता है, एक बहुत ही अच्छा व्यूज है आता है यहाँ पे, जहाँ पे आप लोग जो है सो फोटो कैप्चर कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर का पेंटिंग देख सकते हैं गाइज। ये सारे पेंटिंग जो है सो देखने से पुरानी यादें आता है, क्योंकि देखिए पुरानी समय में जो है सो कुआं पहले हुआ करती थी, और उस समय जो है सो आदमी सब जो है सो पानी वगैरह ले जाता था। तो ये सारी पेंटिंग देख के जो है सो बहुत ही अच्छा लगता है, और पूरा दीवार में जो है सो अलग अलग प्रकार का पेंटिंग बनाया गया है। ये देखिए इधर में भी पेंटिंग है। देखिए गाइस, जो कचरा फेंकने वाला बनाया गया है ये भी कितना खूबसूरत बनाया गया है। ये देखिए गाइस, यहाँ पे जो है सो झूला लगा हुआ है, दो पेड़ों के बीच में जो है सो इसको बांध के लटकाया गया है। ये देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे जो है सो ये बच्चों को खेलने के लिए प्लेस है। यहाँ पे देख सकते हैं ढेर सारे झूला वगैरह लगाया हुआ है, और यहाँ पे जो है सो सरकने के लिए स्लाइडिंग वगैरह की लगाया है। इधर देखिये छोटा बच्चा को सरकने के लिए जो है सो इधर है, देख सकते हैं छोटा छोटा बच्चा लोग जो है सो घूमने वाला चक्री वगैरह है, यहाँ पे बतख का बनाया गया है, और जो मेला सब में रहता है वो सारे चीज़ें जो है सो यहाँ पे है। कुछ कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए, और झूला है यहाँ पे, और स्लाइडिंग वगैरह करने के लिए है। इधर में साइड में देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे जो है सो तुलसी का पूरा बगान है, तो ये देखिए बबई तुलसी लिखा हुआ है यहाँ पे, और इसको भी जो है सो नोटिस को आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं। और ये देखिए गाइस, ये जो बगान है यहाँ पे पूरा तुलसी लगा हुआ है, और ये देखिए सोमराज है गाइस, यहाँ पे जो है सो अजवाइन है। तो ये सारी नोटिस को आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं जो है सो आपको सारी चीज़ें जो है सो एक एक करके बारीकी से दिखाते चलता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कटेली चौलाई है, और ढेर सारी जो है सो यहाँ पे छोटा छोटा पौधा वगैरह है जो कि आयुर्वेद के जनक। देखिए यहाँ पे गाइस, इधर जो है सो एक स्टेच्यू है, यहाँ पे देख सकते हैं
यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के पौधे लगे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे है कपूर कचरी, और सारे बोर्ड में जो है सो सारे पौधे का नाम लिखा हुआ है, उसके बारे में लिखा हुआ है। तो आप लोग जब यहाँ पे आएंगे तो फिर जो है सो सारे चीज़ों को देखने में, रियल में देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है सो वन धनिया है, हम लोग जो है सो धनिया वगैरह जो खाते हैं ये है वन धनिया। और भी यहाँ पे जो है सो काफी पेड़ पौधे जो है सो यहाँ पे लगा हुआ है, और सारा पेड़ और पौधा के नीचे में जो है सो बोर्ड लगा हुआ है और उसका नाम लिखा हुआ है। तो जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे जो है सो सारी चीजें को एक एक करके आप लोग बारीकी से यहाँ पे देख सकते हैं। काफी अच्छा है और काफी सुंदर है यहाँ पे प्राकृतिक जो है सो काफी अच्छा व्यू है यहाँ का। देख सकते हैं कि इस वन के अंदर में जो है सो यहाँ पे शौचालय है गाइस, पेड़ के नीचे में जो है सो इतना अच्छा अच्छा जो है सो यहाँ पे पत्तियाँ जो है सो यहाँ पे है। और ये पेड़ देखिए गाइस कितना ऊपर तक है, मतलब कितना ऊंचा है ये पेड़। और इसके नीचे में देखिए यहाँ पे जो है सो घास है, काफ़ी खूबसूरत घास है, यहाँ पे आप लोग बैठ के इंजॉय कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे जो है सो भैया लोग मोटर में कैसे जो है सो पानी ले जाके ये फ्लावर्स को जो है सो पानी वगैरह यहाँ पे देते हैं। इधर देखिए जो है सो भैया वगैरह जो है सो पाइप लगा रहे हैं यहाँ पे पानी देने के लिए फ्लावर्स वगैरह में। अब देखिए गाइस कितना अच्छा यहाँ पे खिला हुआ है फ्लावर्स, सबको काफ़ी अच्छा से यहाँ पे ख्याल रखा जाता है। देखिए कितना अच्छा अच्छा जो है सो यहाँ पे फ्लावर्स लगा हुआ है, और सभी फूल जो है सो काफ़ी एकदम सुंदर लग रहा है। ऊपर से नज़ारा दिखाते हैं चारों ओर, देखिए ये हैं गाइस। इधर रोज फ्लावर का जो है सो पूरा बगान है, देखिए कितना सारा जो है सो यहाँ पे रोज फ्लावर का बगान लगा हुआ है, और पीछे में भी जो है सो ढेर सारा जो है सो रोज फ्लावर है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो है सो रोज फ्लावर कितना अच्छा यहाँ पे दिख रहा है, और कैसे फड़ा हुआ है, इसमें फ्लावर्स कैसे निकला हुआ है। देखिए गाइस यहाँ पे जो है सो पानी को स्टोर करके रखा जाता है, और यहाँ से जो है सो झरना लगाया हुआ है, लेकिन अभी जो है सो इसमें पानी सूखा हुआ है, तो ये झरना जो है सो अभी यहाँ पे चालू नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे जो है सो झरना का जो है सो मशीन वगैरह यहाँ पे दिख रहा है। सारा फ्लावर्स जो है सो लगा हुआ है, कितना खूबसूरत जो है सो फ्लावर सब खिला हुआ है गाइस। जो है सो नक्षत्र वन का जो है सो जब कब ये शुभारंभ हुआ है इसका यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो फाइनली गाइस ये ब्लॉग होता है यहीं पे कंप्लीट, और ये नक्षत्र वन घूम के आप लोगों को देख के कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और भी ऐसे ही नए नए जगहों को देखने के लिए, नए नए जगहों को मैं जो है सो एक्सप्लोर करते रहता हूँ, नए नए जगह पे मैं घूमते रहता हूँ। तो अगर और भी आप लोगों जो है सो नया नया जगह के बारे में आप लोगों को डिटेल्स में जानना होगा कि वहाँ पे हम लोग कैसे जा सकते हैं और वहाँ पे कितनी सारी चीज़ें हैं, क्या क्या वहाँ पे है, तो आप लोग जो है सो उस जगह का नाम को कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ पे जाने का कोशिश करूँगा, वहाँ पे जो है सो उस जगह को जो है सो मैं एक्सप्लोर करने का कोशिश करूँगा। तो ये ब्लॉग में आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में और किसी नए जगह के साथ। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।